जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज सोमेश्वर. आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन टू योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ. रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे. विल बिगिन अवर सेशन बाय चैंटिंग ओम 3 टाइम्स. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है. चलिए सब लोग आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें. रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे. चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, तृप्ति का भाव, समाधान का भाव. एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए. ओंकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, slowly and gradually, whenever you feel complete, you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते. चलिए आज के अपने इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं. विषय आज का अपना ये रहेगा कि हम लोग चुड़ालाख्यान देख रहे हैं. चुड़ालाख्यान starts with syllabus वही देख रहे तो एक चैप्टर नंबर 72 से इसकी शुरुआत हो जाती है. चुड़ालाख्यान, चुड़ालाख्यान इस शिखी ध्वज और चुड़ाला नामक जो राजा और रानी थे, उनके जीवन में उन्होंने आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन का कैसे प्राप्त कर लिया. तो इसको जब वो चुड़ाला रानी अपने आत्मज्ञान को सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन जो होते विचार से ही कैसे प्राप्त करती है, उसकी साधना सेवा सत्संग जो भी होता है वो भी चलते रहता है पैरेलली, अपने कार्य भी करते हैं और सोच के जरिए उसको प्राप्त करते हैं. फिर उसके जीवन में आगे चल के उसको लगता है कि मुझे बाकी की जो सिद्धियां है वो सिद्धियों के भी बारे में देखूं. मैंने इसको सुना था, आकाशगमन की सिद्धियां होती है, ऐसी सिद्धियां है तो मेरे जीवन में भी क्या वो सिद्धियां प्राप्त हो सकती है क्या. तो उसके लिए जाके फिर वो अपनी साधना को भी बरकरार करके एक निर्जल स्थान पे जाके वहां पे बैठी. फिर उसमें से वशिष्ठ मुनि और प्रभु रामचंद्र जी का जो संवाद होता है उसमें काफी सारे ज्ञान के मोती आकर उभर के आते हैं. तो प्रभु रामचंद्र जी उनको पूछते हैं कि इस तरह से हुआ, फिर उसको कैसे मिला, क्या मिला. तो यहाँ पे फिर प्रभु रामचंद्र जी का प्रश्न होता है तो वशिष्ठ मुनि उनको फिर कुंडलिनी योग के बारे में बताते हैं, नाड़ी विज्ञान के बारे में बताते हैं और शरीर विज्ञान के बारे में बताते हैं. तो जो शरीर विज्ञान के बारे में और नाड़ी विज्ञान के बारे में जब उनको बताते रहते हैं तो उस वक्त फिर वहां पे हमने चैप्टर नंबर 73, और यदि आप वीडियो इसको देख रहे हो जो हमने कल मॉर्निंग को देखा था और आज मॉर्निंग को एक वीडियो देखा तो डे 104 से या फिर वहां पे आपको ये इसकी शुरुआत हो जाती है कुंडलिनी योग की.
105 नंबर का जो वीडियो है, फिर उसके एक चैप्टर नंबर 73 है, चैप्टर नंबर 73 में ही आगे बढ़ाता है। फिर कुंडलिनी योग, उसके बारे में शरीर विज्ञान, नारी विज्ञान, ये हमने कल देखा था। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए कुंडलिनी जो योग है उसमें से अंतकरण का उदय क्या होता है वो आज हम लोग कवर कर सकते हैं, और वायु की गति और उससे उत्पन्न होने वाली व्याधियों की उत्पन्न। तो यहाँ पे फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा आज का जो सूत्र था। हमने देखे कि अपने शरीर को निरोगी रखना कितना आवश्यक होता है। तो बोलते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, बोलते शरीर यदि तुम्हारा स्वस्थ है तो फिर तुम्हारा वो बाकी की सारी चीजें हो सकती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तुम्हारे मन को स्वस्थ रखना आवश्यक है। मन स्वस्थ नहीं है तो फिर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये जो इससे रिलेटेड जो व्याधि उत्पन्न हो जाती है या आदि उत्पन्न हो जाती है, तो बोलते जो अपना शरीर जो होता है उस शरीर से उत्पन्न होने वाले चीजें जो होती है वो अपने व्याधि कहलाती है, और जो मन से उत्पन्न होने वाली आदि। तो बोलते व्याधि आदि ये अपने अलग अलग प्रकार के डिसीज के जो रोग के प्रकार, फिर उसके बाद में फिर उसके रूट कॉजेस, उसके रीजंस क्या है, क्यों होता है, और फिर उसके उपाय। तो यह पूरा जो है सिक्वेंस कि रोग, रोग के प्रकार, फिर उसके कारण और उसके समाधान माने उपाय। तो यह अपना आज के सत्र का अपना यह विषय रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आपने 73 नंबर का चैप्टर पढ़ लिया होगा। मॉर्निंग में कल भी हमने 104 नंबर का वीडियो देखा था, आज मॉर्निंग में हमने 105 नंबर का हिंदी का वीडियो देखा, और फिर उसके ऊपर के जो प्रश्न है उस प्रश्नों के ऊपर फिर हम लोग अभी सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज के सत्र में मॉर्निंग में संगीता जी ने हमें उपायों की जब बात चली तो बाकी सारे जो प्रत्याय जो होती है उसमें फिर एक रेखी नामक एक प्रकार जो होता है जो सॉल्यूशन के उपाय के रूप में आता है उसके बारे में भी उन्होंने हम बताया। उससे रिलेटेड आपके कुछ प्रश्न है तो वो प्रश्न करके भी प्रश्नोत्तर के उस प्रश्न और उत्तर को फिर आज के सत्र में हम लोग फिर जरूर उसको शामिल करेंगे। चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। यह सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। कल का सत्र जो बचा हुआ था वो पोर्शन, और आज का जो सत्र है उससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर यहाँ पे उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सोमेश्वर जी। सो जैसे अभी आपने बताया कि आदि व्याधि में आते हैं। सॉरी आई फर्स्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि संगीता जी ने आज मैंने जो वीडियो देखा सुना रहा, संगीता जी ने रेखी पर बहुत सुंदर वंडरफुल आसम एकदम मस्त एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू। सो कैन आई आस्क यू नाउ सोमेश्वर जी? यस यस प्लीज कंटिन्यू संगीता जी। ओके सो As we have been seeing in today's session, ये जो आदि व्याधि के बारे में जो हम अभी आप बताएंगे हमें कि वो क्यों होती है और वो वायु की गति से ही होती है, एंड वो इम्बैलेंस कैसे क्रिएट करती है, हम जो देखते हैं ये वात पित्त कफ ये जो सब है वो इम्बैलेंसेस जो क्रिएट होता है और जो फिर ब्लॉकेजेस आ जाती है नाड़ियों में उसके वजह से जो डिजीजेस होते हैं, सो वुड यू लाइक टू एनलाइटन अस इवन दोस ऑब्स्टिकल्स विच आर देयर, 9 ऑब्स्टिकल्स इवन दैट विच कम्स हियर, सो ऑल दीज थिंग्स कैन यू गिव अस अ क्लैरिटी ऑन ऑल दैट कि वो सब कैसे बाधाएं बन के और हमारे उन्नति के बीच में आती है, एंड हाउ टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, दैट इज द मेन थिंग। वो तो आ गई, रोग तो लग गया, फिर उसके बाद वो उसके जो कारण है वो देखना, या तो फिर उसके बाद उसके जो उपाय है वो देखना, वो कैसे हम सब कुछ करें, तो प्लीज गिव अस अ होल पिक्चर ऑफ दैट, कि हाउ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स इन आवर लाइफ। थैंक यू, ओवर टू यू। और सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने आप आध्यात्मिक पाथ पे चलते हो या आप रूटीन अपना जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उसमें कुछ भी आपको जो करना है, यू आर स्टूडेंट, आप बिजनेसमैन हो, आप सर्विस करते हो, आप गृहिणी हो और स्पोर्ट्समैन हो, म्यूजिशियन, कुछ भी आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, लेकिन यह जो आज का जो विषय है ये सबके लिए प्रिय है। सब कोई स्वस्थ रहना चाहता है, सब कोई खुश रहना चाहता है,
सब कोई अपने मानसिक लेवल पे शांत रहना चाहता है, तनाव मुक्त रहना चाहता है। तो गुरुदेव का ये विजन ही है कि तनाव मुक्त जो है सारा अपना प्रपंच, जो है सारा संसार है, वो तो तनाव मुक्त हो जाए। तो बड़ा सुंदर विषय है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। कल का जो थोड़ा सा कुछ बच गया था उससे रिलेटेड, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम जेनी जी एंड स्मिता जी मे हैव सम क्वेश्चन, तो उनको देख लेते हैं, देन हम लोग फिर आज के सत्र की ओर बढ़ेंगे। तो जेनी जी का क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यस्टरडेज टॉपिक। Yes, so Jenny has just put up the question now. What did Churala experience in the terms of Kundalini awakening? So that is there. अच्छा, इस प्रश्नों को साथ स्मिता जी भी कुछ प्रश्न सुन लेते and then फिर combine करके उस form लोग आगे बढ़ेंगे। स्मिता जी, do you have any other questions? हाँ गुरुदेव, जय गुरुदेव। वाणी के जो प्रकार है वैखरी वाणी, उसके वाणी के प्रकार के बारे में, पश्यंती वैखरी, उसके बारे में बताना। हाँ जी, ये कहाँ पे आता है? यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट पैराग्राफ, यू विल गेट अ क्लैरिटी अबाउट इट। कहाँ पे आता है सब चीज? कैन यू जस्ट रीड दैट पैराग्राफ फॉर अस? हाँ, यस यस। पेज नंबर 438। प्लीज गो अहेड। अशा प्रकारे सतत स्पंदित होणाऱ्या सुषुप्ना नाडीच्या मुळाशी तिच्या आत 3.5 वळ्यांच्या आकाराची कुंडलिनी या नावाची चित शक्ती आहे। विनेच्या मूळ स्थानी तार जशी वेगाने कंपन पावत असते, झंकारत असते, त्याप्रमाणे अतिसूक्ष्म अशी ही पराशक्ती स्फुरत असते। ती कुंडलिनी सर्व शब्द विस्ताराला मूळ कारण असणारी शब्द ब्रह्मात्मिका स्फूर्ती आहे। हिची कंपने बहिर्मुख इंद्रियांना कळून येत नाहीत, ती अत्यंत सूक्ष्म आहेत। हे शब्दात्मक आद्य स्फुरण शरीराच्या अंतर्गत प्राणाच्या सह नाभी, हृदय, कंठ अशा स्थानी वरवर येते व अधिकाधिक व्यक्त स्फुट होत जाते। त्यावेळी तिला नाभीमध्ये पश्यंती, हृदयात मध्यमा, कंठातून मुखापर्यंत येऊन बाहेर पडते तेव्हा वैखरी वाणी अशी नावे आहेत। त्याच्या बद्दल थोडं वाणींचे प्रकार जे आहेत ते क्लिअर करायला। वाणीचे प्रकार नाही आहेत हे, आपल्या कुंडलिनी शक्ती। अच्छा, मी हिंदी में बात करतो। तो स्मिताजी, वाणी के प्रकार नहीं है यहाँ पे। जो कुंडलिनी शक्ति जो है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से जब गुजरती है तो उसको अलग अलग नाम से यहाँ पुकारते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कुंडलिनी शक्ति, एनर्जी ऊर्जा के विविध प्रकार है, वाणी के प्रकार नहीं। ओके ओके ओके। ये इम्पोर्टेंट, इससे बड़ा एक सुंदर ज्ञान क्या आएगा उस ज्ञान को भी यहाँ पे देख लेते। तो आपने गुरुदेव को मेडिटेशन में कहते हुए सुना होगा कि आपके शरीर के अंदर देयर इज वन बीम of light, no? Have you noticed the in one of some of the meditation, मुझे कहते हैं कि आपके अंदर एक एक beam of light, no? वो beam of light क्या होता है? फिर आपने गुरुदेव को ये भी सुना होगा कि you are the center core of this existence। कई बार सुना होगा कि you are love, you are peace, you are joy, you are the center core of this existence, no? What is that you are the core, center core of existence? इसका क्या? ऐसा क्यों? क्यों कहते हैं? बिकॉज सी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठे संगीता जी वहां पे यूएस में बैठी है, दे दूर कई डिस्टेंस हुई पृथ्वी पे जो डिस्टेंस देखते हैं, तो फिर मेरे लिए भी वो सत्य है क्या? आई एम द सेंटर कोर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। जो गरिमा जी वहां पे कहीं पे और बैठी है उनके लिए भी वो सत्य है कि शी इज द सेंटर कोर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। और फिर यूएस में जो बैठी हुई संगीता जी है वो भी सेंटर कोर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। यह कैसे संभव है? गुरुदेव तो बोलते समय बोलते हैं, फिर सुनने वाले तो लोग कई सारी जगह पे अलग अलग बैठे हैं, है ना? हाउ कैन एवरीबडी बी एट द सेंटर कोर ऑफ द एग्जिस्टेंस?
प्रश्न मन में आ सकता है. हाउ इज दैट पॉसिबल, यह कैसे संभव है? हाउ कैन एवरीबडी इज एट द सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस. तो इसका बड़ा सुंदर ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे वैसे दिखता नहीं है वो इस तरह से, बट दैट इज व्हाट इट इज. उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो है, वो क्यों है, कहा जाता है. तो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स है. एक पहला एस्पेक्ट है कि जो हम लोग यूनिवर्स देखते हैं, इस यूनिवर्स को मैं कहाँ पे सेंटर मानू, इस यूनिवर्स का सेंटर कहाँ पे है. इफ समबडी आस्क यू वेयर इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, कोई कैसे बताएगा? जब कोई चीज फाइनाइट होगी तो उसका सेंटर बता सकते हो, है ना, कि भाई हाँ इतना है 2 किलोमीटर, तो उसका सेंटर इज एट 1 किलोमीटर. मैथमेटिक्स है, बता सकते हैं. जब मैंने बताया एक लाइन निकली है और इधर जा रही है और इधर जा रही है, एंड देयर इज नो एंड टू इट, बट यू टेल मी द सेंटर, वेयर द सेंटर विल बी, नहीं बता सकते. इसीलिए बोलते ये अनंत जो पसारा है, इस जगत का जो अनंत पसारा है, बोलते इस अनंत पसारे में आप जहां पे होते हो आपसे ही वो ब्रह्मांड उत्पन्न होता है. ये हमने देखा उत्पत्ति प्रकरण में, बोलते ये सारे ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से होती है, आपके लिए, नॉट फॉर अदर. अच्छा अदर है नहीं, वो अलग और एक अंगल लाते हैं, उसके बारे में बाद में. लेकिन आप देखो, यदि इस दुनिया में आपके अलावा और कोई है नहीं, दैट एस्पेक्ट ऑल्सो कम्स इन दर, दैट यू आर दैट सेल्फ, यू आर दैट चैतन्य, आपके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं. तो देन यू वेयर एवर यू आर, योर वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. यह एक रीजन है कि जो अपने अंदर होता है, जो सेल्फ होता है, वहा दैट इज द सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस. मीन्स आपके लिए दैट इज द सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस. नाउ द सेम एग्जिस्टेंस गोज ट्रू फॉर संगीता जी ऑल्सो, स्मिता जी ऑल्सो, गरिमा जी ऑल्सो. सो डू यू सी दैट की यू आर द सेंटर कोर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस. कैसे? तो बोलते आप उस इसके विश्व के मध्य में स्थित आप ही हो. यह इसका एक रीजन है. देन दूसरा रीजन क्या होता है, बोलते इसकी फिर थोड़ा और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे इसको देखते हैं. तो बोलते यह जो चीज जो आपके अंदर जो है, वो जो चैतन्य है, वो किस स्थिति में होता है आपके अंदर स्थित? तो बोलते चैतन्य तो जिस इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट्स जस्ट एन फील्ड ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट फिजिकल इन नेचर, इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी. बोलते वो जो एनर्जी है आपके शरीर में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कुंडलिनी शक्ति. अच्छा एक ही है एनर्जी, एक ही है. उस एनर्जी को कभी तुम शक्ति कहते हो, उस एनर्जी को कभी तुम कुंडलिनी कहते हो, उस एनर्जी को कभी तुम दुर्गा कहते हो, भवानी कहते हो, कभी नारायण कहते हो, शिव कहते हो, शक्ति कहते हो, ब्रह्म कहते हो, परब्रह्म, चैतन्य कहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. है तो एक ही चीज, वही शक्ति है. तो बोलते वो शक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, वेन इट इज एट द, अच्छा इसका जो मूल आधार होता है, मूलाधार नहीं, मूल आधार जो स्तंभ होता है, वो अपने शरीर की पर्सपेक्टिव से देख के, तो अपना जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसकी पर्सपेक्टिव से देखे तो क्या होता है, बोलते अपने शरीर की सारी जो जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, इट इज ऑल पासेस अक्रॉस थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड. जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी से लेके पूरा जो अपना स्कल तक जो पूरा जाता है, स्कल तक उसको कनेक्ट करता है, बोलते वहां से वो जो पूरा है एंड कनेक्ट टू योर ब्रेन एंड थ्रू योर ऑल द बॉडी पार्ट्स. सो इट इज दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है आपकी, दैट स्पाइनल कॉर्ड से होती है. बोलते वो सारा इसका मूल आधार है आपके शरीर के लेवल पे. उस शरीर के लेवल पे उसके बाद में फिर जो कुंडलिनी शक्ति जो कहती है शरीर के माध्यम से, जो अपना रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बाद में जो फिर जो मेरु रज्जा जिसको कहते हैं ना, द स्पाइनल कॉर्ड, बोलते वो कॉर्ड जो होती है वो कई सारे 101 नाड़ियां जो होती है उससे वो बनी होती है, और फिर उसके ब्रांचेस हर जगह पे अलग अलग नाड़ियों के 72,000 ब्रांचेस उसके निकलते हैं जो पूरे शरीर में जाते हैं. तो ये तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, बट ये नाड़ियां करती क्या है, व्हाट इज इट डज? फिजिकल फॉर्म में जो ब्लड पहुंचाती है, फिर और जो अपने स्पाइनल कॉर्ड के जो फ्लूइड होते हैं, सेल्स में अंदर जो फ्लूइड जाते हैं, जो ऑक्सीजन का सप्लाई भी उसको लेके जाती है, नॉट जस्ट ब्लड बट अदर सेल्स से जो जाता है वो सारी चीजें. तो बोलते वो क्या पहुंचाती है अल्टीमेटली आपको, ऊर्जा, है ना, इट्स एनर्जी दैट इट स्प्रेड्स, दैट इज वॉट इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ समान हो आएगा भी है. और उससे फिर आदिव्याधि कैसे उत्पन्न होगी, दैट इज ऑल्सो लिंक टू दिस ओनली. तो बोलते ये जो चीज होती है, ये जो कुंडली वो शक्ति है, लेकिन उसको जब वो मूलाधार के बेस पे होती है, मूलाधार के बेस में और सुप्तावस्था में होती है, तो उसको कुंडलिनी सुप्तावस्था में बोलते हैं. कुंडलिनी शक्ति है आपके अंदर, बट क्या हुई है, इट्स इन द सोई हुई है, अभी जागृत अवस्था में नहीं है.
है लेकिन सोई हुई, इस तरह से वो मूलाधार के बेस में होती है, तो उसको कुंडलिनी शक्ति सोई है। कैसे दिखती है बोलते हैं, तो दिखाने के लिए कुछ दिखती, फिजिकल थोड़ी ना कुछ दिखती है, पर बोलते समय कैसे थे सर्पाकार ऐसे तीन साढ़े तीन वेड़े जो यहाँ पे बताएगा साढ़े तीन वेड़े करके वहां पर बैठी रहती है शांत, वहां पर कुंडलिनी शक्ति है। देन बोलते क्या होता है, जब आपके जीवन में कुछ गुरु आ जाते हैं, शास्त्र आ जाता है, कुछ थोड़ा सा योगाभ्यास आ जाता है, प्राणायाम का अभ्यास आ जाता है, तो बोलते देन क्या होता है, फिर आपकी जो शक्ति होती है क्या होती है, जागृत होती है। जागृत कैसे होती है, तो बोलते वही फिर प्राण अपान जो वायु रहते हैं, वो प्राण अपान वायु के देखिए जब हम लोग अपान कहते हैं जो आती है, फिर जो अपना प्राण हम लोग बाहर छोड़ते हैं जो बाहर की सांस होती है, तो बोलते वो क्या करते हैं ऊर्ध्वगामी इसको क्या करता है ऊपर की ओर खींचता है। देन क्या कहती हूँ, जैसे ही प्रैक्टिस से वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जागृत होती है क्या करती है बोलते वो एक विद्युत लता के भांति अपने शरीर में स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड वो एक ऐसे विद्युत लता के भांति, एक लाइट के बीम के भांति, ऊर्जा के स्तंभ के भांति वो क्या हो जाती, खड़ी हो जाती है। इट जस्ट स्टैंड्स अप, सो दैट इन यू आर इन अ कंप्लीटली अवेकन स्टेट। अवेकन स्टेट माने जागृत अवस्था नहीं बोल रहे, इट इज लाइक यू आर इन अ कंप्लीट स्वप्न अवस्था भी नहीं है, पूरी तरह से वो जागृत भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं, सुषुप्ति भी नहीं है, इट इज द तुरीय का अवस्था, समवेयर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स, एंड देन यू आर इन अ कंप्लीटली हाइटन्ड अवेयरनेस, जिसको कहते हैं यू आर इन दैट संपूर्ण सजगता, पूर्णता का सजगता है, मतलब उस स्वरूप में कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, स्तंभ के रूप में अपने ऊर्जा के रूप में अपने शरीर में जागृत हो जाती है। तो फिर वो जब जागृत होती है तो फिर वो इरिटेशन वो सब सारी चीजें, फिर वो अपने को जो सारे विकार जो रहते हैं मोहन भागना होता है वो सब नहीं होता, और सामने वाली व्यक्ति वस्तु परिस्थिति भी आती है वो भी कुछ बिहेव करती तब भी अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होता, तो दैट इज इट, दैट कुंडलिनी शक्ति वो ऐसे जागृत हो जाती है। तो जो आखिरी का जो प्यारा है जो वैखरी वाणी और यहाँ पे जो होता है, तो वहां पे बोलते वही कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार माने बेस ऑफ द स्पाइन में है अभी वो जागृत हो गई, तो फिर उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब वो नाभि नाभि के पास पहुंच जाती है, मूलाधार से लेके नाभि के पास पहुंच जाती है, तो उसको वहां पे क्या कहा जाता है, पश्यंती कहा जाता है, उसी एनर्जी को सेम एनर्जी, फिर वो वहां से निकल के जो अपने हृदय में आ जाती है, हृदय में यहाँ पे तो मध्यम कहा गया, एंड फिर यहां से फिर आके जाके जब वो अपने मुख के पास आके वहां से फिर वहां पे बाहर पे तो वाणी निकलती है ना, मुख से क्या निकलता है, शब्द निकलते हैं, वाणी निकलती कहते हैं, वहां पे उसको फिर उसी कुंडलिनी शक्ति को वहां पे वैखरी वाणी कहा गया। सो ये कुंडलिनी शक्ति के ही प्रकार है, उसी की है कि वो जब यहाँ पे होते हैं तो उसको पश्चंती कहते हैं, यहाँ पे होते उसको मध्यमा कहते हैं, और यहाँ से होते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, उसको वैखरी वाणी कहते हैं। ये तीनों प्रकार यहाँ पे नमूद किए गए। इसका और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आगे चल के आएगा कहीं पे तो आता है पता नहीं कहाँ पे आता है, बोलते उसके अलावा क्या होता है, जो हमने देखा अपान वायु अंदर लेके जाता है, प्राण वायु उसको बाहर फेंकता है, अभी होगा क्या कि यदि जो व्यान और सम्मान और उड़ान जो बाकी के जो तीन पंच प्राण है वो वायु नहीं रहेंगे, तो बोलते फिर क्या होगा, यह कुंडलिनी शक्ति क्या करेगी, जो अपान के साथ रहेगी ऊपर उठ के चली जाएगी और फिर निकल जाएगी, या वैखरी वाणी के साथ वो क्या आएगी, बाहर जाके निकल जाएगी कुंडलिनी शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर, कुंडलिनी शक्ति निकल गई तो फिर बात खत्म, प्राण निकल गए तो मरी जाओगे बोलते देन यू विल डाई। तो लेकिन बोले ऐसा होता नहीं, वो क्या करती है ना, वो जाती है तो ऊपर की ओर उठती है और तो मुख से बाहर नहीं निकलते हुए वो मुख को पास करके यहाँ से वो अपने ऊपर में वो आज्ञा चक्र अपने सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, माने इट स्टैंड स्टिल कम्प्लीटली, जो ऊर्जा का जो स्तंभ होता है वो खड़ा हो जाता है आपके अंदर, तो ये हो और उसके अंदर ब्लॉक ना हो इसके लिए रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो, गर्दन को सीधी नहीं रखोगे तो देन अगर यदि बुंदी ऐसी है तो फिर वो क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट अ ब्लॉक, दैट इज अच्छा वो ब्लॉक हम लोग लगाते भी हो, जो जालंधर बंद लगाते बंदा लगाते तो वी ब्लॉक दिस ना, सारे ब्लॉक लगा के वी एब्सॉर्ब दैट एनर्जी विद इन, तो वो समान और व्यान की प्रक्रिया वहां पे करते हम लोग नॉर्मली भी होती है, वो करते तो और ज्यादा बेनिफिशियंसी एब्सॉर्ब करने की क्या करती है, एब्सॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सॉर्प्शन इज व्याना डिस्ट्रीब्यूशन इज समाना, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको तो वो इक्वली फिर क्या ज्यादा लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने शरीर में,
तो ये व्यान और समान होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने उस एनर्जी को, कुंडलिनी शक्ति को बाहर नहीं जाने देते, इट कीप्स इट इन बिटवीन, दैट इज द रीजन, मतलब वो आपकी डेथ नहीं होती, दैट वो रहती है, अंदर रखती है उसको और फिर वो रहती है। तो मतलब मृत्यु के समय फिर क्या होता है, तो मतलब मृत्यु के समय यही जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो आपको छोड़ के निकलती है, तो मतलब अलग अलग प्रकार से वो निकलती है। कुछ लोगों की जो मृत्यु का समय होता है उनको उस वक्त ही वो स्थूल हो जाता है, देन जो एनल मसल्स होते हैं फिर उधर से कुंडलिनी शक्ति निकल जाती है। मतलब कुछ लोगों की जो शक्ति होती है फिर वो क्या होते हैं, उनका मुख कैसे खुला रहता है देखो मरते समय, बोलते उधर से वो निकल जाती है। जैसे कुछ लोगों का जो होती आंखें होती है वो आंखें ऐसे ऊपर की ओर होती होती है, उधर से होती है। तो सबसे जो योगी होते हैं उनकी जो कुंडलिनी शक्ति मृत्यु के समय कहां से निकलती है, तो देयर इज ऑन द टॉप ऑफ योर स्कल देयर इज अ ब्रह्मरंध्र, यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है और बोलते वो फिर वो वहां से ब्रह्मरंध्र से फिर वो निकलती है। सो हैविंग दैट कंट्रोल, यदि आपका उसके ऊपर कंट्रोल है तो देन यू विल एबल टू कंट्रोल, दैट इज हाउ दे टेक समाधि, ज्वलंत समाधि लेते हैं और फिर वो बैठते हैं, उनके प्राणों को कैसे छोड़ सकते हैं, नॉर्मल इंसान को बोलो तुम बैठो चलो प्राण छोड़ो, ऐसे नहीं छुटते प्राण, दैट इज द योगी व्हिच कैन डू इट, बोलते वो बैठे देन देन उनके ब्रह्मरंध्र से वो अपनी प्राण शक्ति उस कुंडलिनी शक्ति को ओपन अप कर देते, दैट इज हाउ दे टेक समाधि। सो इट्स फिजिकल डेथ बाद में होती है, बट दे इट्स देयर चॉइस, मुक्तों की योगियों की अपनी खुद की चॉइस होती है व्हेन व्हाट वेयर दे वांट टू लीव दिस फिजिकल बॉडी, एंड नॉट ओनली दैट if they want they can take the new birth, whatever they want to do they can do that, but if not they know chitta jo hai jo ativayik sharir hota hai sukshma dev hota hai to usko bhi fir wo chhod sakte, to yahan pe yahi kaha gaya ki jo sukshma dev rehta hai wo sukshma dev kahin nikalna jaye aapke apan ya pran mein chake chakkar mein kundalini shakti ke nikalna hai to iske liye wo saman aur jo vyan vayu wo help karta hai aur reference bhi aapke liye aata hai, to lagta hai vayu ki gati mein aayega aage chalke। ठीक है, सो दैट वाज इट, तो उसके ऊपर और आएगा तो देखते हैं, बट दैट जो आपने पैरा पढ़ा ना अस्मिता जी, वहां से दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल नॉलेज, वो एक्सप्लिसिटली आप ऐसे मेंशन ही है बट ऐसा है। थैंक यू, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया सोमेश्वर जी, थैंक यू वेरी मच। ये सुनते सुनते भी अंदर से कितने सुंदर संवेदना होती है, बहुत सुंदर लगता है सुनते सुनते भी। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी होता है स्मिता जी, पता नहीं है सारी जो चीजें निकलती है, मैंने भी कभी पहले सोचा नहीं या ऐसा कुछ नहीं है, बस वो निकलता है, तो इसलिए मैं भी सुनता हूँ और आप भी सुनिए। चलिए प्रश्नोत्तर के सत्र को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्यों क्या है। अच्छा, बाकी के सारे लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, we have more people, they can also ask anybody if you feel that's like I was keeping silent, you know, I said let others also get a chance na to ask a question na, exactly yadi hai man mein prashna to puch sakte hain, agar Garima ji you have to say something or ask something। Jai Gurudev bhaiya, Jai Gurudev। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, मेरा ये सुबह का टाइम थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं सेशन ऑन करती हूँ और ये ऑफिस और स्कूल की तैयारी, मेरी पूजा सब साथ में चलता है और ये नॉलेज सेशन साथ में मेरा चलता है, बट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये नॉलेज, स्पेशली आज संगीता जी ने जिस तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की, वो अंदर से कहीं ना कहीं फील होती थी बट उनके मुंह से जब आज सुना तो वो चीजें और क्लियर हो गई, और आपने भी जिस तरीके से एक एक चीज छोटी छोटी एक्सप्लेन की है काफी बहुत क्लैरिटी आती जा रही है, और काफी सारे लोग हैं जो कि प्रैक्टिसेस भी उतना रेगुलरली नहीं करते, तो उनको ये टेक्निक्स बहुत हीलिंग दे सकती हैं, जैसे कि अगर उनको हम बोलें कि कोर्स में आया या ये, तो उनको टाइम या कुछ भी बता सकते हैं, बट ये जो हीलिंग टेक्निक्स हैं उनके थ्रू उनको काफी फायदा हो सकता है, काफी सारे लोग आसपास ऐसे अच्छे हैं जिनको करना चाहिए, अपनी फैमिली में भी लगते हैं, इनफैक्ट खुद मेरे को भी स्लीप का इम्पोर्टेंस ये सब चीजें संगीता जी ने आज क्लियर किया कि स्लीप में भी हमारी बॉडी कितना खुद को रिपेयर कर लेती है, तो वो मुझे खुद के लिए भी सुधार करना है। मेरे मन में कई सारे प्रश्न आए भैया बीच में, एक
एक तो आया जब आपने बोला कि मंत्रास के थ्रू हीलिंग होती है, तो मैंने रियलाइज किया कि व्हेनेवर आई डू माय सहज मेडिटेशन आई फील सो मच, वो मतलब कहीं बहुत गहराई में जब भी मेरा ध्यान लगता है तो ऐसा लगता है कि जो थकान थी या जो कुछ भी ऐसे हैवीनेस थी वो पूरी की पूरी चली गई. तो सहज मंत्र कहाँ पे एक्ट करता है? और काफी सारे प्रश्न एक साथ आ रहे थे मेरे मन में कि हमारी ये जो मर्मा थेरेपी, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी है, ये सारी चीजें किस लेवल पे वर्क करती हैं? और आयुर्वेद में जो पंचकर्मा है, जो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी है, मर्मा थेरेपी है, अगर हमें किसी को सजेस्ट करना है तो हम उनको किस चीज के लिए सजेस्ट करें, या कोई किसी से भी स्टार्ट कर सकता है? और काफी सारे प्रश्न थे अभी, तो इतना भैया बस. कोई बात नहीं, तो बहुत सुंदर प्रश्न गरिमा जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किए. हम लोग प्रश्नों को वन बाय वन सारे देखेंगे. वी विल नॉट क्लोज दिस सेशन अनलेस एंड अंटिल सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग चर्चा में ना यहाँ पे लेके आए. फिलहाल के लिए गरिमा जी होल्ड ऑन दैट क्वेश्चन, अभी हम लोग आदिव्याधि तक पहुंचे नहीं है. तो एक्चुअली मैं स्मिता जी क्यों रेफर करता हूँ, उनके पास वो मराठी वाली बुक होती है. तो क्या होता है, जैसे भी देखो इतना सा छोटा सा प्यारा था, यदि हमने वो प्रश्न नहीं आता वो छोड़ दिया होता, आई वुडंट हैव टॉक्ड अबाउट इट, है ना. तो वो फ्लो जो है ना, जो हमारा काफी सारा कवरेज है, यदि हम लोग नहीं करेंगे वो छूट जाएगा. तो दैट्स द रीजन बार बार आई टेक इट बैक टू स्मिता जी. क्यों? बस उनके पास वो बुक के वो टॉपिक्स होते हैं, तो वो टॉपिक के ऊपर से गुजरते हैं ना, उससे प्रश्न आते हैं, तो हम लोग वो देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ और प्रश्न है नहीं है, तो देन ऑब्वियसली विल गो टू द नेक्स्ट. ये तो स्मिता जी आपकी कुछ, बट आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं. जैसे मैंने संगीता जी को होल्ड पे लिख दिया था, तो उनका भी प्रश्न, आपके भी प्रश्न जरूर हम लोग उसको एड्रेस जरूर करेंगे. पहले देख लेते कि इसके पहले के टॉपिक के ऊपर कुछ प्रश्न है क्या, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. स्मिता जी, बिकॉज शी इज अ न्यू कैंडिडेट हियर, तो उनके बहुत सारे नए नए प्रश्न होते हैं, हो सकते हैं, ऐसा मैं आशा करता हूँ. And one more thing, Someshwarji, some of the Marathi things are not available in English also. So even that is there. Yeah. Very important fact. ये जो book है ना, ये सारी चीजें English के और हिंदी की किताब में नहीं है, covered में. तो ये बहुत beautiful knowledge है, और फिर ऐसे जो आज ऐसे कुछ निकल गया और extra, वो extra आया. तो let us see, we'll come to this. तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है गरिमा जी का भी, हम लोग जरूर उसका एड्रेस करेंगे. एड्रेस कंटिन्यू कुछ है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी क्या करेंगे. हाँ, ये मराठी पुस्तक जो है ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर से तरीके से लिखा भी है, बहुत सुंदर पॉइंट है. जो बोलते हैं ना ज्ञान के मोती, सागर में से भी मोती निकलते, सबको पसंद होते हैं, मोती दिखते हैं तो मन लुभा लेता है. तो ऐसे सही में ये मराठी बुक में पढ़ते पढ़ते एक एक पैरा ने एक एक शब्द मस्त बहुत सुंदर लगता है. तो ये एक प्रश्न तो संगीता जी ने पूछ ही लिया है आदि व्याधि का, तो उसके बाद में है सप्त धातु का भी आया है, उसका भी एक्सप्लेन कर लेना. सप्त धातु शरीरातील काय आहेत, सुनाइए. इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाँ पढ़ के सुनाइए. नहीं तो पहले आदि व्याधि घ्यावा लागेल ना, पहले आदि व्याधि है बाद में लेंगे उसको, तो फिर आदि व्याधि. अच्छा, पहले सप्त धातु वाचू का? नहीं नहीं, सप्त धातु बाद में आने वाला है. बाद में आने वाला है, बराबर है. आदि व्याधि को अभी नेक्स्ट. हाँ ठीक है, ठीक है, ओके. हाँ बोलिए. जो संगीता जी का प्रश्न था और जो गरिमा जी का जो प्रश्न था उससे रिलेटेड फिर हम लोग उसको थोड़ा देखते हैं, है ना. तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि जो अपना शरीर जो होता है, बोलते ये शरीर जब चलते रहता है तो यहाँ पे वो पंच प्राण जो होते हैं अपने, वो पंच प्राण और उस वायु की गति जो होती है ना, वो अपने शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो जो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा पंच प्राण कौन से कौन से थे, अपान जो अंदर जाता है, अपान जो बाहर जाता है प्राण, फिर जो एब्जॉर्ब जो पर्सनालिटी कन्वर्जन जो उसके ऊपर से खींच लेता है अपने शरीर को, जो श्वास जाती है वो उसमें श्वास से कन्वर्ट कर लेता है अपने शरीर को, जो न्यूट्रिएंट्स उससे बना है वो बोलते हैं व्यान, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो बोलते हैं सामान, एंड देन फिर उसकी वजह से जो प्राण शक्ति ऊपर उठती है वो बोलते हैं उड़ान. तो ये पांच प्राण के वायु के अपने प्रकार बताते हैं, प्राणों के प्रकार, वायु के प्रकार. तो बोलते इसका अपने शरीर के साथ और अपने मन के साथ गहरा संबंध होता है. तो इसको जब कहते हैं तो बोलते ये सारी जब चीजें होती है,
तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी किसके बारे में बताते कि ये जो सारी जो चीज होती है, जो अपान अंदर जाता है, फिर उसके राज जाता है, फिर उसमें नाभिक के पास होता है, उसकी क्या करता है, ये सारी चीजें जब ठीक से चलती है तो इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू कीप अवर वृत्ति, जो सौम्य वृत्ति होती है, जो समता वाली जो वृत्ति होती है, वो उसको क्या करता है, हेल्प करता है जब वो ठीक होता है। तो इस तरह से फिर जब वो अपना अपान जो होता है, वो जब आता है अधोगामी होता है, यहाँ पे वही रेफरेंस जो मैंने बताया, रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि जब यदि वो ऐसा नहीं होता कि जो लिंग देह है वो सूक्ष्म देह को शरीर के बाहर हो जाने नहीं देता है, तो मतलब वो समान वृत्ति उसको घट्ट पकड़ के रखता है। हाउ डज दैट, समान वायु उसको होल्ड करके रखता है, नहीं तो फिर क्या होता था, प्राण के साथ वो बाहर निकल जाती थी और फिर अपान के साथ होके आकर्षित होके वो अधो मार्ग से बाहर निकल जाती, मैंने एनल मसल से बाहर निकल जाती थी, लेकिन उससे तो मनुष्य मर जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो वो समान वायु होता है, समान व्यान समान होता है, उसकी वृत्तियों का निरोध करके ही फिर वो देह में ही वो रहती है, प्राण अपान की वजह से ही ऊपर नीचे वो गति का निरोध करके वो वायु वहां पे रहता है। दैट इज व्हाट इज मेंशनिंग, ये जो वशिष्ठ मुनि बताते हैं, तो दैट इज द टाइम ही मेंशन, ये जो अपना शरीर में जो मन होता है और अपनी बुद्धि होती है उसके अंतकरण में होती है, वो सम अवस्था में उसको रहती है, क्वानिम स्टेट में, और उससे फिर क्या होता है, उससे अपने जीवन में दुख नष्ट हो जाते हैं, अपने जीवन में आदि नष्ट हो जाती है, व्याधि नष्ट हो जाती है, ऐसे वशिष्ठ मुनि के मुख से निकल जाता है। तो राम पकड़ लेते हैं उसको, बोलते हाँ ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं फिर कि ये जो आदि और व्याधि जो होती है, वो जो दुख के कारण होती है, उस दुख के कारण को जो ना होता है कृपया करके वो उत्पन्न कैसे होती है, वो कृपया करके मुझे स्पष्ट करके बताए, दैट इज द क्वेश्चन दैट कम्स। तो फिर दैट इज जब वहां वो प्रश्न राम जी पूछे, तो फिर उसके उत्तर में यहाँ पे वशिष्ठ उनको बताते हैं कि देखो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे वो फिर वही बात बोलते हैं कि जो वहां से शुरुआत हो जाता है, आज का चैप्टर दैट इज हाउ वी स्टार्टेड मॉर्निंग में जो हमने सुना था, उसके यहाँ पे शुरू होता है, संगीता जी का प्रश्न है वो भी यही से शुरू हो जाता है कि तो सारे रूट कॉजेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो बोलते अपने शरीर और अपने मन, मोस्ट ऑफ द अपने होते हैं जो हम लोग अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, दुख एक्सपीरियंस करते हैं, उसके जो कारण जो होते हैं, उसका जो है उसके बेस पे अपना फिजिकल स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे इसके दो प्रकार दिखाई देते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा, तो बोलते जो तुम्हारे शारीरिक लेवल पे जो होती है, जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बोलते उसको कहते हैं व्याधि। अच्छा, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पतंजलि योग, जो अपने संगीता जी ने यहाँ पे बताया कि इट्स रिलेटेड दैट ऑल्सो। तो जो अपने जीवन में आपको जो कुछ भी हासिल करना है, वो मटेरियल लाइफ से रिलेटेड हो या आध्यात्मिक लाइफ से हो, उसको जब करते करते अपने जीवन में क्या बाधाएं आ जाती है, तो टॉप मोस्ट जो पहले जो बाधाएं आप पतंजलि ने कही है, नाइन ऑब्स्टेकल्स में से, तो पहली तो व्याधि बता दी, दूसरी बताई आदि, फिर बाद में बाकी के सारे आते हैं, संशय होता है, फिर अपना प्रमाद उसमें आता है, अलग भूमिकत्व आता है, कई सारे नाइन ऑब्स्टेकल्स है, हमने उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली, उसके डिटेल में आज नहीं जाएंगे, विल जस्ट फोकस ऑन द टॉप टू। तो पहला कौन सा आता है, बोलते हैं व्याधि। तो फिजिकल शरीर पे जो उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं वो व्याधि में आते हैं। आपको व्याधि उत्पन्न होने के लिए कारण क्या रहता है, तो दोनों प्रकार के कारण यहाँ पे हो सकते हैं। ज्यादातर के कारण जो होते हैं, हम लोग समझते हैं कि वो शरीर के उत्पन्न हुए रोग वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं लेकिन इंटरनल भी होते हैं। दोनों कैसे देखते हो उसको देख लेते, जैसे कि अपने शरीर में कोरोना घुसाया, अभी आपने ये कोई मानसिक लेवल पे कोरोना अपने को हुआ और फिर बाद में अपने को कोरोना हुआ अंदर से, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना, तो कुछ कुछ होते हैं वो अंदर से पहले मन के लेवल पे आते हैं फिर बाद में वो व्याधि में बनते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो एक्सटर्नल वजह से आते हैं और फिर उससे वो व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अनदर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई एक्सीडेंट ही हो गया, आपके हाथ को लग गया, अभी हाथ अपना प्लास्टर किया हुआ है, अभी दिस इज नॉट हैपन एट द मन के लेवल पे हुआ, नहीं, तो बोलते बाहर का कुछ एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से आपको लग गया और फिर आपका हाथ एक्सीडेंट की वजह से व्याधि उत्पन्न हो गई शारीरिक लेवल पे, और फिर उसकी वजह से फिर जो मानसिक लेवल पे दुख होता है वो अलग, तो उसका इफेक्ट तो इस डायरेक्शन से ही ऊपर जा रहा है, ये हमने देख लिया। तो दूसरे डायरेक्शन से भी देखते हैं, कुछ जो है जैसे संगीता जी ने रेकी के बारे में बताया, तो बहुत सारी जो अपने मन में जो शरीर में जो उत्पन्न हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल त्वचा रोग हो जाता है, देखो ठीक से नहीं होता है, वगैरह हो जाता है, या कुछ बाकी के ब्लॉकेजेस वगैरह शरीर में वगैरह हो जाते हैं, नो
तो उसके दोनों रीजन हो सकते हैं, एक तो इधर से भी हो सकता है, एक उधर से भी हो सकता है, कैसे मन के लेवल पे। तो फिर वो मन में ही आपने कुछ विचार कर लिया, विचार करने से वो ओपिनियन को करके बैठ गया, ओपिनियन को करके बैठ के आपने किसी के मन में निंदा कर दी, देन उसके बाद में अपने ही मन के अंदर, अपने मन को ही मन के अंदर खाने लगे, फिर उसके बाद में अपने शरीर में जो क्रेविंग्स उत्पन्न हो जाती है, वो क्रेविंग्स अपनी इच्छाएं आ गई, उसके बाद में जो वासना होती है वो अपनी वासनाएं मन में आने लगी, फिर जो शरीर से अपने शरीर और जो पंचेंद्रिय होते उससे से जो अपनी अपेक्षाएं होती है वो अपेक्षा अपनी पूरी होती नहीं है, बिकॉज अपने मन को चाहिए था ज्यादा, शरीर दे पाता है कम, तो उससे उत्पन्न हो जाते, फिर क्या होते हैं दुख उत्पन्न हो जाते अपने जीवन में, तो ये हो जाते बोलते इसको जब इस लेवल पे आके तुम्हें दुख हो जाते तो बोलते वो मन के लेवल पे कहते उसको आदि कहते हैं। तो मन के जो विकार है वो आदि कहलाते हैं और जो अपने शरीर के जो विकार है वो व्याधि कहलाते हैं। एक दूसरे को क्रिएट करता है, दूसरा पहले को क्रिएट करता है, तो फ्लो इधर से भी बह सकता है, फ्लो इधर से भी बह सकता है। तो जो बहुत सारे जो आजार जो होते हैं ना होते हैं वो साइकोसोमैटिक होते हैं, कि वो तुम्हारे मन के अंदर सब कुछ चलता है पहले और आपको होता है कि तुम्हारे जो शरीर होता है वो शरीर के ऊपर उसके इफेक्ट्स यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं। ये हो गए आदि और व्याधि, आदि और व्याधि के यहाँ पे ये दो प्रकार यहाँ पे बताए गए। अभी जो गरिमा जी का जो प्रश्न होता है कि अपने जीवन में जो ये आदि और व्याधि उत्पन्न होते हैं, इस रूट कॉजेस क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते क्यों उत्पन्न होते हैं रोग, तो कहते ये रोग उत्पन्न होने के लिए कई सारे कारण जो है वो कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो डिटेल में आपको वर्णन जानना है आप वेलनेस प्रोग्राम को जरूर कर लेना, वेलनेस प्रोग्राम में सारे आदि व्याधि की भी बात हो जाती है, उसके रूट कॉजेस की भी बात होती है और उसके सोल्यूशन की भी बात हो जाती है। तो कौन से ऐसे कारण है जो आपके जीवन में आपको आदि और व्याधि उत्पन्न कर देते हैं, तो बोलते हैं केयरलेसनेस, आप ठीक से आपको हेलमेट पहनना है, आपने हेलमेट पहनना नहीं तो फिर गए एक्सीडेंट हो गया लग गया, हेलमेट पहना होता तो बच ही जाते, फिर कारण क्या हो गया, यू हैव बीन केयरलेस, यू डिड नॉट फॉलो द लॉ, कुड बी वन ऑफ द रीजन जो आपको शरीर में आदि व्याधि उत्पन्न कर सकता है। देन और क्या हो सकता है, बोलते हैं अपने शरीर में कि आपका कोई गलती नहीं था, जो आपके आजू बाजू के लोग उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, समाज में जो रोकियों को आपका अकेले गाड़ी नहीं चला, कोई और आ गया उसका ठीक नहीं था, उसने रूल फॉलो नहीं किया, उसने आके ठोक दिया तुमको, अभी आपकी कोई गलती नहीं है, बट यस यू आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, आपको इस सिस्टम में पार्ट होने का आपको क्या पड़ा, फल भुगतना पड़ा, यू आर देयर इन, उसकी वजह से आपको आदि व्याधि अपने शरीर में उत्पन्न हुए। देन बोलते क्या होते हैं इसके अलावा, बोलते जो अपना जो जीवन जो चलता है उसके बारे में अपने आप के शरीर को नहीं जाना, अज्ञानवश जो होती है, अज्ञानवश भी अपने शरीर में आदि व्याधि उत्पन्न हो जाती है, बिकॉज यू डोंट नो, आपको पता नहीं कि कितना खाना है, आपने ज्यादा खा लिया, फिर दूसरे दिन फिर आपको लूज मोशन हो गए, शरीर ही हो गया या कॉन्स्टिपेशन या कुछ हो गया, पेट का बीमारी, फिर पेट दुखने लगा, वो क्यों उत्पन्न हो गया, अज्ञानवश, एक तो अज्ञानवश हुआ, दूसरा क्या होता है कि शरीर है, शरीर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मन जो चाहता था विषय के दो दो बोलते और ज्यादा चाहिए, शरीर तो बोलता है कि मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन वो क्या करता है अपना जो मन बोलता है नहीं नहीं और खाओ, तो फिर वो क्या होगा और खा लिया, फिर प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू खाना, इट्स रिलेटेड टू ऑल द अदर एस्पेक्ट्स, कौन से कौन से एस्पेक्ट, आपको रात को सोना है ठीक से, सही समय पे सोना है, आपको नींद आवश्यकता है, लेकिन जो रूट जो है मैंने आंख जो है साइट है वो कुछ देख रही है, मूवी देख रही है, इंटरेस्टिंग मूवी, लेकिन वो बोलता है अंदर से चलो सो जाओ, लेकिन वो मन बोलता है नहीं नहीं लेटेस्ट कंप्लीट, इतना इंटरेस्टिंग मूवी चल रहा है, इतना है कुछ तो है, तो यू वांट टू सी इट, यू वांट टू सी मोर मोर, तो ये बातें सारे सेम चीज विद स्पर्श, स्पर्श सुख जो मिलता है तो उससे भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, खाने से रिलेटेड, रूप से रिलेटेड, गंध से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड, ऐसे तुम इसमें क्या जो फंस जाते हो, फिर क्या होता है वो क्या करता है तुम्हारे शरीर में आदि और व्याधि उत्पन्न करता है। और कौन से रीजन होते हैं आदि और व्याधि उत्पन्न करते हैं, हमने कहा कि सोर्स ऑफ फूड, आप जो खाना खाते हो दैट ऑल्सो कैन बिकम द आदि व्याधि उत्पन्न होने के, आपका आजू बाजू का वातावरण, वातावरण में ही केमिकल है, पोल्यूशन है, तो कहाँ से तुम स्वस्थ रहोगे, तो वातावरण है तुम्हारा, प्रकृति में जैसे तुमने खराब कर दी तो उससे भी तुम्हारे शरीर में क्या हो जाते हैं उत्पन्न आदि व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं। देन बोलते उसमें से कुछ तो प्राकृतिक होता है, कुछ तो होता है मैन मेड होता है, तो बोलते कि जैसे कोरोना अभी मैन मेड, किसी ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट से वो लीक हो गया वायरस, कोरोना वायरस पूरा जग भुगत रहा है पेंडेमिक के रूप में, तो ये हो गया। देन उसके बाद में जो मैन मेड में आता है, फिर वो जो जैसे
एनर्जी थी कुछ थी, एटम बम बना लिया, डाल दिया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर यूएस ने डाला था, उससे फिर आधी व्याधि उत्पन्न हो गई, कई लोग तो जानी चली गई, और जो बचे वो पैरालिसिस हो गया, किसी को क्या गया, सारी चीजें देखो आधी व्याधि उत्पन्न हो गई। ऐसे कई सारे आधी व्याधि उत्पन्न होने के प्रकार होते, रूट कॉज होते, तो फिर हमारे लिए क्या, अभी किसी ने यहाँ पे डाल दिया हो तो उसका डायरेक्ट स्वरूप में अपना उसके ऊपर कंट्रोल है क्या? कुछ चीजों के ऊपर डायरेक्ट स्वरूप में कंट्रोल हो सकता है, कुछ चीजों के ऊपर इनडायरेक्ट स्वरूप कंट्रोल हो सकता है, कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है अपना, अलग अलग लेवल पे देखेंगे अलग दृष्टिकोण से फिर वो फिट बैठेगा। तो बोलते हैं तो फिर आप क्या करो अपने जीवन में, क्या करो, ये सारे जो आधी व्याधि के रूट कॉजेस है, अब मैं सारे के वर्णन में नहीं जाऊंगा, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो और 1000-2000 और रूट कॉजेस के निकल के आएंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो सारे रूट कॉजेस जो है अपने जीवन में, हम लोग उसको दो विभागों में डाल देते हैं अपने पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कि मेरे लिए जो नॉन कंट्रोलेबल है किसी और के लिए कंट्रोलेबल हो, कोई और योगी है तो उसके कंट्रोल में सब कुछ रहेगा, कोई चैतन्य के लेवल पे जी रहा है तो उसके कंट्रोल में तो सारी दुनिया ही है, वो अलग बात है। बट मेरे लिए, मेरे अपने लिए क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है और क्या चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। अभी जो बाकी के लोग जो रोड पे गाड़ी चला रहे हो, मेरे कंट्रोल में नहीं, बट मेरे कंट्रोल में मेरी गाड़ी चलाना है, तो आई कैन डू दैट। तो कुछ चीजें जो आधी व्याधि उत्पन्न करते हैं अपने शरीर में, उसके कंट्रोलेबल फैक्टर मेरे लिए जो है, लेट मी स्टार्ट कंट्रोलिंग दैट। वहां पे फिर अपने उपायों की बात शुरुआत हो जाती कि वो कौन से है फिर, तो मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में अज्ञान को दूर भगाना मेरे कंट्रोल में, मेरी प्राण शक्ति को ऊपर रखना मेरे कंट्रोल में, नो पढ़ाई करना, ज्ञान में आना मेरे कंट्रोल में, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना मेरे कंट्रोल में, अच्छा अन्न खाना मेरे कंट्रोल में। अच्छा अन्न माने क्या, दही अच्छा या बुरा है? दही इटसेल्फ अच्छा बुरा नहीं है, वो तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, तुम्हारे लिए बुरा, तुम्हारी कफा प्रवृत्ति है तो तुम्हारे लिए बुरा बन जाएगा, किसी और के लिए दही अच्छा हो जाएगा, जिसको पित्त है उसको दही दोगे वो पित्त बढ़ जाएगा उसका, उसके लिए नहीं अच्छा। अच्छा या बुरा तुम्हारे लिए है या नहीं ये तुम जानो, फिर उसके लिए नाड़ी परीक्षा। बोलते वो चीजें तुम सर्टन थिंग्स आर कंट्रोलेबल, आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन कंट्रोलेबल फैक्टर को आप कंट्रोल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, उससे उत्पन्न होने वाली आदि व्याधियों को भी आप कंट्रोल कर पाओगे। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, सूरज है सूरज उग रहा है आपका ये, आप वो खड़े रह जाओ उधर तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो देगा उसको था, तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ छाता ले लो तो तुम बच पाओगे, ये अपने कंट्रोल में है। तो कुछ चीजें अपने कंट्रोल के बाहर, कुछ चीजें अपने कंट्रोल में है, एक व्यू पॉइंट से बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट, व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा वो भी बदल जाता है, जो आज के लिए जो कंट्रोलेबल नहीं लगता वो कल जाके कंट्रोलेबल बन जाएगा, क्योंकि आपकी क्षमताएं बढ़ चुकी हो उस तरह से। तो ये सारे जो चीजें क्या करो आप धीरे धीरे उन उपायों से क्या करो अपने जीवन में आधी व्याधि को पहले तो उत्पन्न नहीं होने दो, और फिर उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्या करो, ये तो उससे दो प्रकार निकल के आते, जो पहला जो प्रकार निकल के आता है आधी व्याधि को कंट्रोल करने का, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। माने क्या हुआ, आपको अभी तक आधी व्याधि उत्पन्न हुई नहीं है, आपने क्या कर लिया, अपना उपाय जो थे उनमें से कुछ उपाय जो थे कंट्रोलेबल थे तो आपने अपनी जीवन में उसको डाल लिया पहले से ही अवेयरनेस होके सजगता के साथ। खड्डे में गिरने से सामने खड्डा है दिख गया तो आप सजग हो गए, आपने कोई और मार्ग अपना लिया, एंड और आपने जो कुछ उपाय थे उसको उपाय करते हैं। इस उपाय में क्या आता है, तो मुझे अच्छी तरह से खाना खाना, अपने को जो सूट करता है वो खाना, सीजनल खाना खाना, सीजनल फूड खाना, ये सारे उपाय में आते हैं। फिर जो गुरुदेव ने हमें टेक्निक दी है उसको अपने जीवन में फॉलो करना, अपना प्रॉपर एक्सरसाइज करो, चलने के लिए जाओ, साधना करो, सत्संग करो, सेवा करो, सब कुछ जो चीजें, जो सारे जो टूल्स है टेक्निक्स है उनको जो बताया उसको अपने जीवन में लाओ, दे आर अंडर योर कंट्रोल, कंट्रोलेबल है, मतलब उसको अपने जीवन में लाओ, उसको कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें किसमें आती है, अच्छा औषधि और रसायन और एक चीज में यहाँ पे आता है। औषधि कब काम में आती है, जब आपको यू आर अफेक्टेड, आपको अपने जीवन में क्या हो गया, जो आधी व्याधि उत्पन्न हो चुके हैं अभी क्या करे, तो बोलते करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस में औषधि आती है, उससे पहले जो बोलते च्यवनप्राश खाना, अपने इंडियन पद्धति में हम लोग हल्दी खाते हैं, जो अपना जिंजर खाते हैं, लहसुन खाते हैं, ये कई सारी चीजें हैं, तो इतने आयुर्वेदिक उसके गुण है, आंवला खाते हैं, तुलसी खाते हैं, These are all called रसायन, they are just not औषधि, they are रसायन। रसायन कब खाते हैं तुम, जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो और मेरे को सुटेबल, मेरे शरीर को अनुसार जो चीजें अच्छी है वो अपने जीवन में खाते रहना, वो रसायन बन जाता है, जैसे कि च्यवनप्राश है। अच्छा च्यवनप्राश सबको ही अच्छा रहेगा क्या,
थोड़ा सा 2 चम्मच 3 चम्मच च्यवनप्राश खा के देखो, इतना उष्ण होता है वो, इट्स वेरी हॉट। तो समर के सीजन में बहुत ज्यादा च्यवनप्राश खाओगे तो उष्णता हो जाएगी शरीर में, नो ये तो अति सर्वत्र वर्जन। अच्छी क्वांटिटी में यदि तुम उसको प्राशन करते हो तो इट बिकम्स अ वेरी हेल्दी रसायन फॉर यू। औषधि के लिए वेट मत करो, रसायन अपने जीवन में लाओ, ये उपायों में आ जाता है। तो अच्छे रसायन को करो, अच्छे अन्न को खाओ, योगा प्राणायाम मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, तो ये हो गए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस की ओर बढ़ते, अभी करेक्टिव मेंटेनेंस में, अच्छा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में और भी कई सारी चीजें जो है, जैसे कि हम लोग जिसमें भी रेकी वगैरह भी कंसिडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसके बारे में संगीता जी विल टॉक मोर, मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेट संगीता जी टॉक अबाउट इट। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है, देन थोड़ा करेक्टिव मेंटेनेंस की ओर बढ़ते। अभी चलो हो गया, हाथ भी टूटी गई तो फिर आर्थराइटिस के पास जाओ, और सर्जन फिर सर्जरी करेगा, उसको बांध देगा प्लास्टर, फिर कुछ दिन के बाद हड्डी कर देगा, करेक्टिव मेंटेनेंस। अभी त्वचा रोग हो ही है, फिर कुछ औषधि ले लो उसको करो। तो बोलते ये जो करेक्टिव मेंटेनेंस है उसके बेसिस पे तेरा कई सारी व्याख्याज यहाँ पे आ जाती है, कौन सी, तो फिर एलोपैथी जो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होता है वो देके तुम्हें फिर क्या आता है, ठीक किया जाता है, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं, पता नहीं एलोपैथी से इम्यूनिटी बढ़ती है, वो जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स होते हैं उसमें से थोड़ी बहुत कुछ मिलता है तो ठीक है, बट अदरवाइज तो एंटीबायोटिक वगैरह दे कॉज यू मोर डैमेज। सर्जरी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, देर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस दैट हैज हैपन इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी, सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ऐसे किसी भी टेक्निक को पैथी को डिस्कार्ड ही कर सकते, इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, और जहां पे जैसे आवश्यक है तुम हंस बनो, वो जो दूध पीता है जैसे वैसे तुम मोती चूंग दूध को पी लो, तो वो बात अलग। तो हर चीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे, हम लोग उतने वर्णन में भी नहीं जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखते बैठेंगे हर पैथी को, तो उसके बेसिस पे अलग अलग पैथियां आ गई। कौन सी पैथी, तो बोलते एलोपैथी जो जाते हैं लोग पता है, देन उसके बाद में जो अनदर एक स्ट्रीम जो है बोलते वो आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदा माने सिर्फ औषधि जो हम लोग खाते हैं उससे रिलेटेड नहीं, आयुर्वेदा इज द आयुर जो अपने लाइफ का ज्ञान, वेदा मीन्स बोले तो बोलते उसके अपने जीवन में लाओ, बोलते वो अज्ञान को दूर करेगा, और देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी काम आएगा, और कुछ हो भी जाता है तो भी फिर आयुर्वेदा भी हेल्प। दैट इज वेयर गरिमा जी का जो प्रश्न था कि कई सारे जो है पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट होती है, देन कई सारे जो कई सारा चीजें होता है आयुर्वेदा में आता है, अपनी दैनंदिन दिनचर्या कैसे अगेन वेलनेस प्रोग्राम करो, उसमें सारी चीजें डिटेल में आपको इसको वर्णन भी आएगा, मॉडर्न साइंस भी आएगा, एंड आयुर्वेदा भी उसके अंदर आएगा, दोनों का स्वरूप जो है वो वेलनेस प्रोग्राम में आपको जरूर करना, वेलनेस प्रोग्राम चुका नहीं कर लेना, वो उसमें आ जाता है आयुर्वेदा में। तो बोलते वो जो तीसरा प्रकार है उसमें होम्योपैथी आ जाता है। होम्योपैथी में क्या होता है कि अपने शरीर में कोई मतलब बाहर से जो ये आते हैं क्या कोई भी डिसीज अपने शरीर में घुस जाता है, तो बोलते अपने अंदर की इम्यून सिस्टम ऑलरेडी होती है, व्हाइट सेल ब्लड होते हैं, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। यही टेक्निक क्या करता है, होम्योपैथी यूज करता है। होम्योपैथी क्या करते हैं, जो बाहर से जो डिसीज है उसी का थोड़ा सा कम क्षमता वाले जो वही जंतु जो है, वही इंसेक्ट्स जो अपने शरीर में क्या करते हैं कृमि जिसको होते हैं उसको तुम्हारी इस वायरस को तो छोड़ देते हैं, बट उसकी शक्ति बहुत कम होती है, तो अपने जो इम्यून सिस्टम क्या करते हैं उसके ऊपर अटैक करती है, तो इट्स होम्योपैथी से काइंड ऑफ ट्रेनिंग। फिर क्या होता है, जब सही मायने में जो ओरिजिनल आता है तो वो सक्षम बन चुके उससे लड़ने के लिए, तो जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया होती है वही होम्योपैथ का मूल फंडामेंटल टेक्निक है। तो वो यूज करते हैं, फिर वो उससे डिसीज को क्या करते हैं मूल रूप से तुम्हारे शरीर से होम्योपैथी, जैसे मूल रूप से आयुर्वेदा निकालता है, वैसे एलोपैथी मूल रूप से नहीं निकालता है, एलोपैथी इमीडिएट सिम्टम्स को ट्रीट कर देता है इमीडिएटली। तुम्हें नींद नहीं आ रही, चलो नींद की गोली दे दी, तुमने सुन लिया, अरे नींद क्यों नहीं आ रही है, उसका रूट कॉज उससे कुछ एलोपैथी देखते नहीं है, आयुर्वेदा फोकस करता है कि अरे क्यों नींद क्यों नहीं आ रही, तो यू गो और यू डू योगा प्राणायाम मेडिटेशन, रूट कॉज देखो, ये देखो, तान तनाव देखो, स्ट्रेस देखो, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, यू डील विद दैट, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठीक हो जाएगा। एलोपैथी क्या करता है, कुछ नहीं आएगा, टेक दिस मेडिसिन केमिकल दे दिया तुम्हारे शरीर में, तू यूल बी एनेस्थेसिया की तरह तुम्हारा काम करेगा, यूल बी ना इस तरह से। तो ये देखो प्रकार है कितना, दोनों का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन तो सर्जरी करना पड़ेगा तो उस वक्त तुम ऐसे नहीं बोल सकते चलो भाई ये करो तान रहा हूं, तब तुम सर्जरी करोगे तो यू विल रिक्वायर एनेस्थेसिया, सो इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस आल्सो। तो इसलिए बोलते कि किसी चीज को डिस्कार्ड मत करो, सडन से ऐसे खारिज मत करो, आई विल डू ओनली दिस, ऐसे भी हमने देखा है ना, सडनली कहीं पे कुछ लेक्चर सुन लेते हैं, आई विल डू ओनली आयुर्वेदा, आई विल डू ओनली आयुर्वेदा पद्धति, नहीं, यू बी ओपन
अपना ओपननेस रखो, मुक्त रखो अपने आपको कि जहाज से जो चीजें अच्छा कुछ मिल रहा है तो ले लो, फिर वो कहाँ से आता है, इट इज इमेटेरियल। वो हो गया होम्योपैथी। और उसके बाद में फिर और भी कई सारे जो उपाय थे उसमें रेकी भी आता है, तो रेकी के ऊपर आई रिक्वेस्ट संगीता जी, हम लोग रोल चेंज कर लेंगे, प्रश्न भी हम लोग पूछेंगे रेकी के ऊपर, संगीता जी भी ला सकता है। तो ऐसे कई सारे उपाय है, उन उपायों के बारे में आधि व्याधि, उसके रोग के स्वरूप और उसके कारण और उसके उपाय, ऐसे यहाँ पे कुछ कहा गया। तो आई हैव नॉट गॉन इन टू डिटेल्स ऑफ वर्ड बाई वर्ड, हमने मॉर्निंग के सत्र में ऑलरेडी सुन लिया है। और इससे रिलेटेड ही फिर जो शरीर में जो सप्त धातु की उत्पत्ति होती है उसका कार्य ये भी, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अपना शरीर, शरीर विज्ञान में आता है सप्त धातु आते हैं और उसके भी अपने शरीर में इंपॉर्टेंस होते हैं। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य वगैरह होते हैं ना, इट इज रिलेटेड टू वीर्य इज वन ऑफ द धातु, अपना सीमन होता है तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। मैंने क्यों, तुम उसको जो रस है उसको तुम ऐसे वेस्ट करते जाओगे, उसको नहीं रखोगे तो फिर वो क्या होगा, तुम्हारे शरीर से वो एनर्जी को तुम यूटिलाइज कर रहे हो, देन वो एनर्जी बचती नहीं है फिर, इसलिए बोलते फॉलो। अच्छा, डोंट यूज इट ऐसा भी नहीं, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, रिप्रोडक्शन सिस्टम उसके लिए तो यूज होता है तो उसको यूज करो। इसलिए किसी भी तो बुरा मत कहो, तुमने सही तरीके से यूज नहीं किया इसके लिए तुम्हारे लिए घातक बन गया, जो सही तरीके से यूज कर रहा है वो उसके लिए तो यूजफुल है। ये इससे देखना कि क्या है सही तरीका उसको अपने जीवन में लाने का, ये इम्पोर्टेंट होता है। सो आएगा आगे तो उससे रिलेटेड फिर स्मिता जी की प्रश्न आएंगे, विल टेक इट। चलिए सत्र को थोड़ा आगे बढ़ाते, और भी थोड़े कोई डिटेल और स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना तो वी कैन एड्रेस, स्टार्ट एड्रेसिंग दैट नाउ, बस वो बैकग्राउंड सेट हो गया पूरा। उमा जी का भी कुछ प्रश्न, उमा जी आप अन्य करके पूछ सकते हैं। हाँ जय गुरु है भैया, जो व्याधि होते हैं पाप कर्मों के वजह से होते हैं ऐसा कुछ है, इज इट ट्रू और मिथ? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे योग शास्त्र में बताया गया, जो उसके जब रूट कॉजेज जो बताए गए तो कई सारे और भी रूट कॉजेज होते हैं जो आदि व्याधि होते हैं, उससे आदि व्याधि उत्पन्न हो सकती है। तो बोलते हैं कैसे, तो बोलते जो अलग अलग जो कोई दूसरे जो लोग हैं उन्होंने कुछ तो काली विद्या कुछ मंत्र तंत्र पढ़ लिए, उन्होंने आपको जैसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं ब्लेसिंग्स देते हैं उसका इफेक्ट होता है, जैसे भी संगीता जी टॉक ऑफ रखी तो होता है, तो बोलते वो लोग भी ऐसा तुम्हारे ऊपर इफेक्ट प्रभाव डाल सकते हैं, वो भी एक रीजन होता है आदि व्याधि उत्पन्न होने का। तो बोलते और इसके अलावा तो बोलते जो आजू बाजू जो अपना प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं उसके भी जो योग बन जाते हैं, उसके ग्रेविटी का भी अपने इफेक्ट होता है, तो उससे भी अपने शरीर में आदि व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। आप वो रूटीन दिनचर्या नहीं फॉलो करते हो, सूर्य जो 6 बजे और तुम उठ रहे हो 10 बजे, तो आदि व्याधि उत्पन्न हो सकती है शरीर में, दैट ऑल्सो कैन बी अ रूट कॉज ऑफ थिंग। तो इन सारी जो अपने जो पर्टिकुलर चीजें हम लोग करते रहते हैं, फिजिकल एक्शंस इन एक्शंस या मानसिक एक्शंस एंड इन एक्शंस, इन दोनों चारों वजह से क्या होता है, कुछ चीजें हम लोग अच्छी करते हैं कुछ बुरी करते हैं, कुछ अपने लिए अच्छी करते हैं कुछ अपने लिए बुरी करते हैं, कुछ दूसरों के लिए अच्छी करते हैं दूसरों के लिए बुरी करते हैं, तो वहां पे फिर वो पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि समथिंग विच हर्ट्स यू और एनीबडी एल्स वो पाप, समथिंग विच बेनिफिट्स अपलिफ्ट्स अदर और यू इज पुण्य। तो पाप और पुण्य जो होता है, जो भी सारी चीजें बताइए उसका भी रूट कॉजेस के स्वरूप में आपके आदि और व्याधि करने में आपको जरूर हेल्प करता है, डेफिनेटली इट डज। पाप पुण्य अक्सर में तो कुछ है नहीं, इट इज जस्ट यूटिलाइज। पाप क्या है, पाप इज बेसिकली आपको पाप लगेगा आप जाके फिर हेल में रहोगे, माने क्या आपका जो डर था ना वो ऋषि मुनि ने आपका डर यूटिलाइज किया टू डू समथिंग गुड फॉर यू, ताकि उसकी डर की वजह से एटलीस्ट यू विल बिहेव प्रॉपरली, आप ठीक से करोगे, ये नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, ये नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा, ये नहीं करोगे तो धन नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे, तुम्हारे डर को यूटिलाइज किया। पुण्य क्या है, तुम्हारा लोभ है, ग्रीड जो है उस लोभ को यूज किया, पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अभी स्वर्ग कोई है तो मिलेगा है ही नहीं तो कहां से मिलेगा, बट तुम करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा ना, तुम्हारा अच्छा होगा ह्यूमैनिटी का जा सब कुछ अच्छा होगा, यह पुण्य का कॉन्सेप्ट आप डाल। हाँ क्या कुछ कह रहे हैं, ओके तो पुण्य का कौन से डाल दिया कि आपके लोभ को यूज किया कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुद्धा भी यही कहते हैं अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, बुद्धा ने क्या है अच्छा करोगे अच्छा होगा बुरा करोगे बुरा होगा, इट सेड लाइक दैट। सो देयर आर मेनी सच बुद्धा के जो वर्ड्स है ना,
दे आर वेरी सिंपलिस्टिक इन नेचर, बिकॉज उन्होंने काफी सारे लोगों को जो एड्रेस किया था वैसे सिंपलिस्टिक नेचर में एड्रेस किया था. तो विल सी, अगर कुछ ऐसा आता है तो भी उसके बारे में देखेंगे. लेकिन पाप करना उस वजह से व्याधि होती है, हाँ जरूर होती है, कैन से यस होती है. अगर वो करोगे तो तुम्हें बुरा लगेगा ना, आप किसी के लिए बुरा करते हो तो आपको अच्छा कैसे लग सकता है, तो बुरा लगेगा कहीं ना कहीं इंटरनली, भले वह बुद्धि के रूप में दिखाओ नहीं उसको या करो, अंदर से लगेगा या मैंने ठीक नहीं किया. अंतरात्मा की आवाज जो थी गुरु होता है वो तुम्हारे अंतरात्मा तुम्हें जरूर झंझोड़ेगी यार दिस इज नॉट राइट. फिर वो बुद्धि पिक्चर में आती है और वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे करो, वो कंट्रोल में नहीं होती है. गुरुदेव को कब उठना जेल में तुम जाके पूछ लो उनसे, तो यार उसको क्या हुआ, मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, धर्म की कमी, कंट्रोल में ही नहीं रहा, वो छूट गया या बुद्धि की कमी, इस तरह से मेरी बुद्धि काम में नहीं आई गुरुदेव, तो उसकी वजह से ये सब ऐसा उनके हाथ से वो घटनाएं घटित हो जाती है. बट दे हैव टू, दे हैव टू, अच्छा हाउ टू रिमूव दैट, हाउ टू रिमूव दैट के उपाय के बारे में कई सारे उपाय है. यहाँ पे योग वशिष्ठ में आके बैठना वन ऑफ द उपाय है, गुरुदेव को सुनना अनदर उपाय है, साधना करना तीसरा उपाय है, ठीक से खाना खाना चौथा उपाय है, अपनी साधना सेवा सत्संग करना पांचवा उपाय है. उपाय कई सारे हैं, आपके कंट्रोल में जो है वो उन उपायों को करो. किसी को भक्ति मार्ग अच्छा लगेगा, किसी को कर्म वाला मार्ग अच्छा लगेगा, किसी को ज्ञान वाला मार्ग अच्छा लगेगा. उपाय कई सारे हैं, आपके कंट्रोल में क्या है. अभी जो बंदे की बहुत ज्यादा बुद्धि चलती नहीं है वो भक्ति मार्ग से उसको भक्ति बहुत पसंद आएगा या कर पाएगा, तो वो भक्ति मार्ग से भी प्राप्त कर लेगा. बाद में वो भक्ति मार्ग से प्राप्त करते समय जैसे उस ईश्वर के साथ डूब जाएगा, वो ज्ञान भी उस पर आ जाएगा. जब आप गुरु पूजा करते हो वहां पे जो है तंत्रोटकाचार्य, वो तो बोलते वो ज्ञानी नहीं थे लेकिन वो भक्ति में डूब के ज्ञानी बन गए. वो भक्ति ज्ञानी बन के भक्त बन जाओ या भक्त बन के ज्ञानी बन जाओ और सब कुछ आ जाएगा. कोई भी मार्ग पकड़ लो, अल्टीमेटली वो कैसे कुर्सी के पहिए होते हैं ना, चार पहिए, तो एक पहिए को खोले. ऐसे वी आर लिसनिंग टू स्वामी ओमकारानंद जी ने योग के बात कर रहे थे एएमपी के सत्र के में. तो ये जो हमने देखा ना श्रम विचार संतोष और ये, तो किसी भी एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो उसमें तर जाओ, मतलब बाकी के तीनों भी आ जाएंगे. पर एक ही कुर्सी के पहिए है, चारों स्तंभ है, एक को एक आ जाएगा पकड़ में तो बाकी के साथ साथ उत्पन्न हो ही जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं. तो यही उपाय है हाउ टू रिमूव दिस. ऐसा था तो कई सारे उपाय है, कई सारे है, देयर आर सो मेनी उपाय. आप देखो कि विच वर्क्स फॉर यू. यदि ऐसा नहीं होता तो एक ही बात बोल देते, मैं आत्मा हूँ, बात खत्म. ऐसा तो नहीं बोला, फिर उपनिषद आया, वेद आए, पुराण आए, अष्टावक्र गीता आया, नारद भक्ति सूत्र आया, भगवद गीता आया, योग वशिष्ठ आया, कितने सारे है ना, कई सारे उपाय शास्त्र कई सारे आए. तो सी वॉट वर्क्स फॉर यू, चूज, देर आर सो मेनी. अल्टीमेटली ऑल थिंग्स विल लीड टू ओनली वन. अब कोई भी उपाय को पकड़ो, अपने जीवन में ढालो. मेरा वचन है आज ऑन बिहाफ ऑफ गुरुदेव, जरूर आपको मुक्त कर देगा. किसी भी एक को पकड़ो, बस एक तो अभ्यास करके उसको डेली प्रैक्टिस करो, रूटीन में लाओ उसको, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, आप मुक्त हो ये एहसास आपको जरूर हो जाए, जरूर हो जाए, फॉर श्योर, गारंटीड. कोई नहीं देगा आपको गारंटी, मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ, आप मुक्त हो ये ऐसा जरूर होगा, फॉर श्योर. चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं. और कुछ प्रश्न है तो उसका स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम लोग दे सकते हैं. गरिमा के जी को जो प्रश्न थे संगीता जी के लिए, वो भी हम लोग अभी रेखी के ऊपर भी थोड़ा जो उपायों की बात चल रही है, तो रेखी रस होना वेरी ब्यूटीफुल टूल जो रेखी भी अपने को है करता है, उससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न है तो जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं. तो मैं ही शुरुआत करता हूँ. तो संगीता जी, जो हमने उपाय यहाँ पे देखे आदिव्याधि देखे, उसमें रेखी कैसे पिक्चर में आता है, रेकी का उगम कहाँ पे शुरू हुआ, और फिर रेकी कैसे अपने को इन सारी चीजों में हेल्प करते हैं, कृपया पहले रेकी के बारे में बताएं, और फिर आदि व्याधि रूट कॉजेज एंड उसके ऊपर इन तीनों के पर्सपेक्टिव से रेकी कहाँ पिक्चर में आता है, कृपया करके हमें बताएं. सो रेकी इज बेसिकली अ जापानीज टेक्निक बाय डॉक्टर उसवी, ही हैड फाउंडेड, एंड इट इज द universal energy which flows through us from all the parts of the body, right? So, re, ki.
So it is divided into two words, which means that light, that energy, which is universal and it is flowing through us. So it flows through our hands also. If you see, we have always had that, you know, ki the tip of the hands. Tab you kehte hai ki khana bhi haath se aise khao to achha lagta hai. Yeah, the tip of the hands also, if you just go on doing like this, you will feel that energy generating in you. So it is already there in the hands. So what we do, we get attuned to a master. He will attune that energy and then we start giving energy to the different parts of the body. Now coming to this Adi and Vyadi, it means ki ye jo levels jo hai, jo imbalance hai, wo bhi usko maintain karti hai, and it is also with the body, mind and soul. It works on all the three levels. It is not only the body part. Like allopathy always works on the body part, right? But homeopathic works with the mind also. If you see, I have done homeopathic, and there are plenty of medicines which work on your anxiety, of your, you know, there are those batch flower remedies which work with them. So that is also there. It works on the mind also, on the soul level also. We have plenty of medicines which work on the soul level also. So homeopathic is also very good. So that way, Reiki also works on all the three levels. Now what happens is Adi Vyadi comes either on the body level or the mind level, right? And which we cannot go and experience that self, that where the block comes. Just like as we had a talk for the Kundalini. The Kundalini also, what happens when it travels upwards? Now, if there is a block in Swadhisthana Chakra, it goes and stuck there. It cannot rise up. That energy cannot rise. See, that same energy is there. Even Gurudev says, ki when it is in the Mooladhar, it is there. Then the same energy rises, it comes to Swadhisthana. So it keeps on rising in all the chakras. So there are different results with that energy. Like, you know, you be more creative. That is when you are in the Swadhisthana. When you are in the root chakra, you are more grounded. That is what it is. That energy gives you that groundedness. And you know, I'll tell you, Hitler was a very good this. When they had a survey on him, only his one of the chakra was blocked. Otherwise, he would have been enlightened. And that was his heart. Otherwise, all other chakras were open of his. But he was so powerful. But due to his heart chakra. In the same way, if you see Gautam Buddha, he also had all the chakras powerful with his heart, that compassion. So he became enlightened. It is like that. Yeah. So we have a study on this, you know, on the chakras also, which is very important. Very good also, very interesting also, you know, I love that. Yes. So it works on all the chakras. So different chakras, when you have some root problems, like, you know, you have a money problem, that is your root. So you give Reiki to the root chakra, you heal that. So different problems, like Swadhisthana, I said. Now females, they have their gynec problems. So even that is there. So you give Reiki to your Swadhisthana. When you come to Manipur, you know, there are those imbalances which we see of indigestion also, you know, lot of pit coming up, lot of cough coming up, all those three doshas which are there. So you can heal yourself with that. And then when you have come here to your heart, you have your lungs, the circulatory system, that Vishnu, you know, that maintenance part, everything comes here, the lungs, the heart. So all these are there. So when you give it to that, that works well. So we go on like that. And here comes, you become more creative. The throat chakra expansion, the space is there in the throat. Because even Gurudev says all the nadis, they come and, you know, go through your throat. So it is the space element is there over here. When you come here, is the third eye chakra, that is, as we see, yeah, for diabetes also, yes, we can suggest you. Yes, we can. When you come to third eye, it is that Shiv Netra, that focusing, you know, बच्चों के लिए जो होता है, जो focus चाहिए रहता है बच्चों को, या intentions, your intuitions. Those are also, all these are the third eye chakras. So all these also go on working. Now coming again to this over here, when you have blockages in them, that energy cannot free flow. So there
Reiki works very well. It dissolves the blockages. It helps you in dissolving all that. Those nadis also, which we saw the blockages in that also. So keep on working, keep on with the intentions also. Keep on working on them. And that subconscious and that healing part, which comes from within. See, the body has a capacity to heal itself. So we give it a chance to heal. We give that energy to that body to heal itself. And it comes up and it shows up also. So there are plenty good results which we can do. Then we have symbols in Reiki. That is also very beautiful. So as you do the second degree, first degree is always keeping your hands, you know, all eyes, ears, throat, all the parts of the body. It's given 3 minutes. There's a bell, tongue. You keep on doing, you go off to sleep also. Now again, it takes you in that deep sleep where the healing happens. So again, the quality of the sleep also matters in this. You go into that deep sleep where the healing is there. You know, first level alpha, beta, you don't get the healing. You get only the delta part. So that also theta part. So those modes, it goes into that. That also helps you. And then there are 2 symbols also which you can work. Like sitting here also, if anybody wants. So it's a distance healing also. Plus, it works on ourselves also. So it's not only that. It gives you the protection. You can have that symbol. It works where you go. You see the energy is not good. You can work it on there. You know, there are plenty of things. You become, like I feel, you become more magical using those symbols wherever you go. So even that is there. So you can work on different, like plants, animals, all the surroundings, your atmosphere, your home. You know, you feel sometimes the energy is not good. It's a heavy energy. So you can work on that also. Increase the energy where the energy is low. So it just works with the energy. It keeps on working. You can make different. You can just work unlimited with that, wherever it is possible. Just go on playing it with that. And then third one comes, you get a master symbol also. That also works very well. So it's all, again, how you work with it. So go on. All these psychosomatic disorders also, which we saw now. Even it works very well in that. So mentally also it works well. Because again, it is all your thoughts, what you have been feeding inside in yourself, right? So all those thoughts which are there create all this adi and vyadi. It starts with the thought only, if you see. It goes and becomes a very big thing, but that starting is always a thought. So there, if you control that thought there only, and you have those pure thoughts, those positive thoughts which are there, you cultivate that habit of having those positive thoughts in you, itself gives you the healing. It starts healing you. So it is like that. Yeah. See, regarding diabetes, what she asked, it is, again, it works with the pancreas and diabetes, it always says, you know, something is, it is with the resistance also. A lot of resistance we have in ourselves, a lot of resistance. Wo acceptance nahi aata hai. So that resistance of that body, you know, that is a very, very big thing when you have those diseases. From within, that is your thought level. You don't accept the things. And then what happens? The life becomes sour. And then you get diabetes. Yeah. So plenty of things. It's all on the thought level, actually. Diabetes बहुत important subject है जो कई सारे लोगों को आजकल होता है. डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज वगैरह वगैरह तो वेलनेस प्रोग्राम में ना अभी सम ऑफ द टीचर्स नॉट ऑल द टीचर्स दे आर ऑथराइज्ड टू कंडक्ट द सेमिनार्स ऑन डायबिटीज सो जो अपने कुछ तो जो मेरे टीचर जो बिलिंदा एंड देन दो तीन टीचर उन्होंने उसके ऊपर सेमिनार भी लिया था डायबिटीज के ऊपर तो जो मुझे पता है डायबिटीज के बारे में और जिस मेरा अनुभव है लेट मी शेयर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जब मेरे पापा को डायबिटीज हुआ था अराउंड अभी 3 साल पहले की ये बात है तो दे लाइक टू कीप टू द हॉस्पिटल तो वहाँ पे जो डॉक्टर हुसैनी करते हैं वन ऑफ द वेरी फेमस डॉक्टर है लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल वेरी सीनियर डॉक्टर काफी एजेड भी है तो उनका अनुभव काफी तगड़ा है तो जब उनके साथ चर्चा हो रही थी वेनी कैम्पला था डैम का मार्टर बैकग्राउंड वो सब कुछ है तो कैसे हो गया
नहीं चाहिए था बात, पहली बात ये सब। तो फिर मैंने पूछा कि ये होता क्यों है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट। तो डायबिटीज होने का रूट कॉज पता नहीं है, मेडिकल साइंस डज नॉट नो द रूट कॉज कि किसी को डायबिटीज क्यों और कैसे होता है। मेडिकल साइंस के पास इसका उत्तर नहीं है। किसने बोला ये? हु इज एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, दिस इज स्टेटमेंट बाय हिम। डायबिटीज अदरवाइज क्या होता है पता है? इसका नाम एज से कुछ रिलेटेड है, किसी को हो सकता है, कम एज में भी हो रहा है लोगों को। कैसे क्या कम एज में हो रहा है? इफ इट इज द डिसऑर्डर दैट इज रिलेटेड ओनली एज और बड़े वार्धक्य में आ गया, तो ऐसा नहीं है, दैट इज डायबिटीज किसी। तो बोलते हैं यह सारा जो इसका जो मेडिकल साइंस है उसके पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसका आंसर आयुर्वेदा में मिल गया था। आयुर्वेदा में मिल गया था मैंने मैं आयुर्वेदिक औषधि है, इसका उत्तर आयुर्वेदा में कैसे मिलता है? बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। लाइफस्टाइल कहां से आता है? लाइफस्टाइल रिलेटेड टू योर आयुर्वेदा। आयुर् मींस नॉलेज, वेदा मींस नॉलेज, अपने जीवन के बारे में जो नॉलेज है वो कहता कहलाता है आयुर्वेदा। और वो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फॉलो ना करने की वजह से फिर क्या होता है, यह डायबिटीज जैसे चीज उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से डायबिटीज होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो डायबिटीज क्या होता है? अपने शरीर में हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो चीज धातु से रिलेटेड आएगा, वो थोड़े से प्रश्न आएगा तो उसके ऊपर। तो अपने शरीर में क्या आता है उसको थोड़ा देख ही लेते हैं। शरीर में क्या आता है कि हम लोग अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं और वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये सारों का कॉम्बिनेशन लेके क्या शरीर क्या करता है, अपने शरीर में पाचक जो जठराग्नि होता है वो अपान जो वायु और प्राणवायु होता है उसका जैसे घर्षण होता है, उसके घर्षण जो होने की वजह से जैसे पर्वत और लाकड़ के ऊपर घर्षण होता है तो इन दोनों का भी ऊर्ध्वगामी उपगामी चलता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस उच्च उद्व्यक्ति वन ऑफ द जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। तो जो कुछ भी तुम उसको इनपुट देते हो वो समाप्त इनपुट वो क्या करता है, जठराग्नि उसको पाचक स्वरूप में उसको बना के वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ व्यान वायु, सो द डाइजेशन प्रोसेस इट्स लाइक अ व्यान। देन डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना हृदय है वो सारी धमनियों से देता है, वैसे वायु से वो एनर्जी सबको देता है तो समान वायु का काम आ जाता है। तो वो चीज वहां पे बोलते क्या करता है फिर वो पहले क्या करता है, इसको पहले जो तुम कुछ देते हो उसको इनपुट उसको पहले सबसे पहले जो सप्त धातु है उसमें से पहले क्या करता है उसमें रस में उसको कन्वर्ट करता है, इट क्रिएट इनटू जूस, नो दैट जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोलते उसको पहले होना एक अर्धा हो साल और थोड़ा सा मेरे को बाहर भी जाना तो आई क्विकली फिनिश दिस। तो बोलते वो क्या करता है अपने जीवन में, वो क्या करता है रस को क्रिएट करता है। रस के बाद में फिर वो क्या करता है आगे जाके उसी रक्त को जाके रक्त करता है, वो रक्त जो होता है अपने शरीर में करता है ब्लड। देन उसके बाद में उसी से फिर अपने जो सेल्स बनते हैं तो उसको मास में कन्वर्ट कर देता है। आगे चल के उसी से अपनी त्वचा बनती है, उसी से फिर अपना जो मेद बनता है वो मेद माने अपना फैट्स जो बनते हैं वो। देन उसी से अपना मज्जा भी बनता है, मज्जा माने जो अपना मज्जा जिसका मज्जा भी बनता है। फिर उससे भी अपना जो अस्थि जो अपने हाड़ जो रहते हैं अस्थि, अस्थि माने अपने बोन्स वो भी बनते हैं। एंड देन शुक्र जो अपना वीर्य वो सब ये होते हैं, ये सप्त धातु है हमारे शरीर में, ये क्या होते हैं ये तैयार होते हैं। एंड देन फिर उसकी वजह से अपना जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। ये सप्त धातु का अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डायबिटीज के केस में क्या होता है कि अपने जो सारे जो सप्त धातु है इससे रिलेटेड जो अपने शरीर में जब हम लोग कुछ खाते हैं तो बोलते उससे शरीर में अपने क्या करता है ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है नहीं फैट्स, फिर ग्लूकोज ही बाद में ट्रांसफर कि फिर उसके फैट्स बन जाते हैं, बाकी के सारे जो चीजें तो मेद वगैरह होते हैं ना तो फैट्स बढ़ गए किसी शरीर में और ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को फैट्स में ज्यादा रूपांतरित, इसलिए जो ओबेसिटी होती है उनको डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा होता है, हार्ट अटैक का भी चांसेस ज्यादा। क्यों? बिकॉज वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जो अपनी धमनियां थी उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा कर देता है और फिर वो कम हो जाता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इट इज रिलेटेड टू दैट। डायबिटीज के ऊपर आते हैं, फिर से बीपी के ऊपर नहीं जाऊंगा, डायबिटीज के ऊपर। तो डायबिटीज में क्या होता है, तुम्हारे जो शरीर में जो इंसुलिन है ना वो इंसुलिन जो ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है इन फैट्स और उसके ऊपर जो प्रक्रिया करता है बोलते इंसुलिन तुम्हारा धीरे धीरे क्या होता है घट जाता है, फिर घट जाता है तो उसकी वजह से जो शरीर में जो शुगर तैयार होती है, तुम कुछ खाना खाते हो शुगर इज नॉट रिलेटेड ओनली शुगर जो तुम खाते हो, भात जो है तुम्हारा राइस है कुछ रोटी उससे शुगर तैयार होती है, अल्टीमेटली जो कुछ भी खाते हो उससे वो शुगर ही बना लेता है फिर वो हाथ में जाके। तो वो शुगर जो तैयार होती है वो उसको फैट बना नहीं पाता, बनाने वाला इंसुलिन जो है वो इंसुलिन तुम्हारे शरीर में कम जाता है। अब ये आउटवर्ड इफेक्ट है, क्यों होता है रूट कॉज पता नहीं,
मेडिकल साइंस को पता नहीं है, ऐसा क्यों हो जाता है नहीं पता मेडिकल साइंस को, आयुर्वेद बोलता है कि हमें पता है क्यों हो जाता है, बोलते क्यों होता है, इट्स रिलेटेड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, तुमने ठीक तरह से खाना नहीं खाया, जो तुम्हारे शरीर सूट करता है वो नहीं खाया, तुमने रोज अपने शरीर में योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं किया, अपनी ठीक तरह से समय पर उठे नहीं, ठीक तरह से समय पे सोए नहीं, पूरी तरह से इक्वल प्रॉपरली नींद ली थी वो नींद ली नहीं, मतलब ये सारा दिनचर्या तुमने अपना वाट लगा दिया है, इसकी वजह से जो उत्पन्न हुआ है उससे तुम्हारे शरीर में इंसुलिन पैदा करने वाली जो क्षमता, वो क्षमता को तुमने खो दिया, इंसुलिन शरीर में अभी क्रिएट होता है, इसलिए आपने देखा होगा डायबिटीज के लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है, क्या करे उपाय के रूप में क्या उनको इंसुलिन देते हैं, दवाई और इंसुलिन दोनों देना पड़ता है, तो इंसुलिन की वजह से नहीं होता है, तो ये होते हैं उसके रूट कॉजेस, के रूप में जो रूट कॉज है एग्जैक्ट पता नहीं है, बट इट्स रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। उपाय क्या है, अभी उपाय मेरे पापा ने जो किया उपाय मैं आपके साथ शेयर देता हूँ, तो अपने मेरे पापा को जो डिसीज होता डायबिटीज हुआ था, तो फिर वो डॉक्टर उसने उनको गोलियां शुरू की, एंड देन उनको कुछ बताया पथ्य, एक पथ्य कंसिडर योर डिसिप्लिन, वो यमा नियमा बोलते हैं ना, एक कंसिडर योर डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन, तो उन्होंने क्या क्या कहा था, पहले तो उनको शुगर बंद कर दिया, चाय बंद कर दिया, उन्हें शुगर से रिलेटेड सारी चीजें स्टॉप, खाना ही नहीं है बिल्कुल, देन उनका क्या बंद किया, जो राइस था वो राइस कम कर दिया, पहले तो बंद ही कर दिया, फिर बाद में उन्होंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, घी जो था एक चम्मच सिर्फ लेना पूरे दिन भर में, बटाटा पोटैटो जो था वो पोटैटो बंद कर दिया, स्टार्च ज्यादा ग्लूकोज क्रिएट करता है, ग्लूकोज क्रिएट करने वाली सारी चीजें, तो थोड़ी सी भाकरी खाओ या रोटी खाओ और सब्जी खाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल खाओ, यह हो गया पथ्य, पथ्य में डाल दिया था, देन उसके बाद में उनको बताया गया कि आप मिनिमम 45 मिनट तक आपको चलना है, पापा को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, बट फिर भी उन्होंने वो अपने जीवन में 4-5 किलोमीटर था वो पथ्य उन्होंने अपने जीवन में डाला, तो 30-40 मिनट वो चलने लगे, रहो धीरे धीरे नहीं होता है, पहले 10 मिनट फिर 15 मिनट फिर करते 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 नाउ ही गोस आई नी 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो चलते, वो आज भी चलते, पापा का डेली का साधना होता है वो बिल्कुल 2.5-3 रोज करते धीरे धीरे करते, तो वो सारा जब जिन्होंने उन्होंने लाया ये दिनचर्या को अपना ठीक किया, अपने खाने के ऊपर ध्यान दिया, विद इन 3 months ही रिवर्स्ड इट। डायबिटिक को कंट्रोल रखना एक अलग बात होती है मेडिसिन से, वो डायबिटीज निकला नहीं आपका अभी तक, यू आर स्टिल डायबिटिक पेशेंट, मतलब आपने गोलियां बंद कर दी फिर से, तो 6 महीने के बाद जब उनकी टेस्ट हुई HbA1c जो टेस्ट होती है 3 महीने का एवरेज करके वो टेस्ट निकलती है, वो टेस्ट भी उनका निगेटिव आया, GTT जो बोलते हैं जो ग्लूकोज ट्रांसफर टेस्ट होते हैं, GTT बेटा बिफोर फास्टिंग आफ्टर फास्टिंग वो दोनों टेस्ट किए, इट वाज ऑल नेगेटिव, इट वाज ऑल अंडर कंट्रोल, डॉक्टर ने खुद होके ही स्टॉप्ड हिज मेडिसिन, मतलब ही इज नॉट डायबिटिक, 2.5 साल हो चुका है ही इज फॉलोइंग दिस, ये उपाय में आ गए, ये उसका उपाय है, दिस उपाय कैन आल्सो वर्क फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आल्सो एंड इन सर्टेन केसेस इट इज रिवर्सिबल डिजीज, ये रिवर्स भी हो जाता है, कंप्लीटली मुक्त भी आप इसमें से हो सकते हो, तो ये मेरी जीवन में मेरे घर में पापा को मैंने करते हुए इसको देखा हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में इतना ज्यादा जानता कि इतना डिटेल में इज बिकॉज ऑफ दैट, एंड और एक शेयर है वो वेलनेस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम टीचर, तो ये सारी चीजें आपको सिखाते भी है ना, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट क्यों करता हूँ बार बार कि यू डू वेलनेस प्रोग्राम, क्यों, बिकॉज वो उसका उपाय भी उसके अंदर है और करेक्टिव मेंटेनेंस भी, क्या हो गया है तो फिर अभी उसको कंट्रोल में कैसे रखे, ये उसके उपाय में आता है। So he had diabetes 1 or 2? Yeah, I'm 2. Diabetes 2. Yeah, what you said, I think it is resistance that we are holding on to. वो भी हो सकता है और दिनचर्या भी मैं ठीक करूँ, ये दोनों मैं try करती हूँ. See, diabetes 1, no, the insulin is not there sufficient to handle it. Okay, and in diabetes too, no, insulin is also there, but the sugar is also there. So that is the difference. So there are different types of diabetes. When the target power is increasing, my hunger levels also increasing. And if I eat more, my sugar levels are going to shoot up. The power increases, my levels are also increasing. I just don't know what to do at the time. हाँ, तो इस दाता का इशारा मैं लेना चाहता हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर हियर, सो मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा ऐसा कुछ होगा तो, ये वेलनेस प्रोग्राम में भी हम लोग कभी किसी को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आई हैड आस्क्ड इन वेलनेस प्रोग्राम अनन्या जी,
अनन्या जी कैन आंसर इट. एंड मोस्टली क्या होता है ना, वहां पे भी वेलनेस प्रोग्राम है, वी हैव बीन ट्रेंड, बट टीटी से आप करते वेलनेस प्रोग्राम है, सो दे ऑलवेज रिकमेंड कि यू अप्रोच द डॉक्टर, है ना. बिकॉज कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज प्रिस्क्राइब करने से पहले वी हैव टू कंसिडर मेनी अदर फैक्टर्स बिफोर वी गिव एनी रिकमेंडेशन. इसलिए बोला ही क्या तो मेरा लाइफस्टाइल यू सेड इज द परफेक्ट थिंग, यू नो, योगा प्राणायाम, यू हैव टू गेट इट इन योर लाइफ, टेक योर मेडिकेशन आल्सो, लुक इनटू योर डाइट आल्सो, सो एवरीथिंग अगेन द होलिस्टिक हीलिंग विल कम. So you can do, there are some mudras you can do to keep your sugar level in your control. So even that is there. So plenty of things are there which can help you even by small percent, but it will help you to contribute it to your healing in that. And ultimately I'm telling you, it is the resistance in our body which does not allow the insulin to work on that sugar also. Insulin goes and knocks the door of the cell. Come on, open, I want to come in. But the cell keeps the door closed, doesn't respond to that. So it is, again, an autoimmune disease also, you call that. Autoimmune means wo khud ki andar se generate ki hui disease hai. Again, it is related to your thoughts. So ultimately, it is the thoughts that is there. If you analyze it in that way, absolutely, I agree with you. Mental level, we should be calm. Yes, mental level. Yeah, please go ahead. I'm done. So, any other questions? We can take it up. If not, then we'll have to close this session. Then I have to go out. Sorry for the delay. Thank you. There's nothing to say sorry about it, Umaji. It's absolutely okay. So is Garima's question answered in this part? Garima, are you there? And did you get your answer? Ji, Sangeeta ji, thank you. I got my answer. Okay. Yeah. Thank you. थोड़ा सा और भी कुछ बचा होगा तो यू कैन कवर टुमारो आल्सो, कल भी मिलते हैं तो टुमारो आल्सो वी कैन फिनिश इट. तो आज के लिए इस सत्र को हम यहीं पे रोक लेते हैं.